दोस्तों अभी बहुत सारे यूजर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे उनका व्हाट्सअप ही बैंड हो जा रहा है। आखिर बैंड होने का रीज़न क्या है? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप व्हाट्सअप के कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, अगर आप उसके अगेंस्ट में कोई भी काम करोगे, कुछ भी उसके अगेंस्ट में आप मतलब पोस्ट करोगे, कुछ डाटा को शेयर करोगे, तो इस कंडीशन में आपका व्हाट्सअप बैंड होता है। और इसके पीछे का एक रीज़न और भी है, जैसे मान लीजिए आपके पास अपने किसी अननोन नंबर को आप मैसेज कर रहे हैं और उधर से कोई भी आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, और आप बार बार ऐसे 2-3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पर मैसेज किए जा रहे हो, तो व्हाट्सअप को लगता है कि ये कोई हैकर है, कोई एक काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपका व्हाट्सएप को बैन कर जाता है, परमानेंटली टेम्पोररी बैन हो जाता है, और काफ़ी लोगों को तो परमानेंटली बैन हो चुका है, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे केस में क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैं एक न्यू नंबर लिया हूँ, उस न्यू नंबर से मैं व्हाट्सएप बना रहा हूँ, तो वो दिखा रहा है मतलब अकाउंट इज़ बैंड। हालांकि मैं अभी तुरंत दिया हूँ नंबर को, उसी से अकाउंट नहीं बन पा रहा, तो बैंड का यार दिखने को मिल रहा है। हो सकता है आपको कोई अलग रीजन से ही बैन का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो आप घबराइए मत, इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक नहीं, ऐसा एक सेटिंग बताऊंगा, जिस सेटिंग को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आप व्हाट्सअप का जो बैन का जो प्रॉब्लम है वो इजीली हटा पाओगे, इजीली आप उस नंबर से अपने व्हाट्सअप को भी यूज़ कर पाओगे। बट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये सारा कुछ पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस की, इसके लिए चलते हैं मोबाइल फोन के। फ्रेंड्स सबसे पहले अपने डिवाइस में ब्राउजर को ओपन करना है, किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना, और यहाँ सर्च ऑप्शन पर टैप करके यहाँ पर लिखना होगा सिंपल सा व्हाट्सअप इस तरीके से, और सपोर्ट यहाँ पर लिखेंगे सपोर्ट, स्पेस देख लिखना है, ठीक है, स्पेस और सपोर्ट इस तरीके से। ऊपर में आगे आपको ऊपर में ही सर्च टैप करके सर्च करना है। अब देखिए आप मिले कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक बिजनेस के लिए और एक मैसेंजर सपोर्ट, जो कि बहुत ऑफिशियली जो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको कॉन्टैक्ट वास पर टैप करना है। यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस होगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूँ, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्राइटनेस कम कर लिया, आपको इजीली अब दिख रहा होगा, थोड़ा सा और यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। अब देखिए आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ मिलेगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे इंडिया का कोड यहाँ पे शो होगा, तो यहाँ पर आपको वही नंबर फिल करना है जिस नंबर से व्हाट्सअप आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब जिस नंबर से आपका अकाउंट नहीं बन रहा वो नंबर आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करेंगे, अब यहाँ पे कन्फर्म ईमेल मतलब वही ईमेल फिर से आपको इस बॉक्स में इंटर करना होगा। कौन सा डिवाइस है आप उस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, मेरा एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड को सिलेक्ट करूँगा, ऑलरेडी वही सिलेक्ट है। अब यहाँ पे इंटर योर मैसेज बिलो, यहाँ पर कुछ लिखना होगा मैनुअली आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मैं न्यू नंबर लिया हूँ, उस नंबर से मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे नोट में पहले से लिखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ इजीली इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। बस आप इसको देख लीजिए कैसे मैंने टाइप किया है, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये सारे नोट, आप वहाँ से भी यूज़ कर लेना। और यहाँ आपको लास्ट मोबाइल नंबर दे देना है, ठीक है। चलिए मैं ऊपर का सारे बॉक्स को पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ वीडियो में। तो फ्रेंड्स मैं ऑलमोस्ट सभी बॉक्स को फिल कर लिया हूँ, नंबर ईमेल आईडी सारा कुछ, यहाँ पे मैं जो भी नोट था वो भी नोट में भी दे दिया हूँ। और मैं एक बार यहाँ रीड करके दिखा दे रहा हूँ मैंने यहाँ पे नोट में क्या दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए पहले देखिए यहाँ पर मैंने अपना हेलो व्हाट्सअप सपोर्ट टीम, माई लीगल नेम, मैं जो भी नाम है वो नाम दे दिया, रिसेंट आई हैव परचेस न्यू सिम विथ मोबाइल नंबर, मतलब मैं यहाँ पे न्यू सिम परचेस किया हूँ उसी नंबर से मेरा अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से लिख लेना यहाँ पे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर टैप करना है, सारा कुछ फिल करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, वेट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप इस तरीके से आ चुका है इंटरफेस, तो यहाँ पर आपको सारे को कुछ नहीं करना है, जैसा है उसी रहने देना, और आपको सेंड क्वेश्चन पे टाइप कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हैज बीन सेंड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट, वी विल गेट बैकअप टू योर माई ईमेल, आई टेक यू अप टू 3 बिजनेस डे, मतलब 3 वर्किंग डेज के अंदर आपने जो वहाँ पे ईमेल आईडी दिया है उसी ईमेल आईडी पर व्हाट्सअप टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, क्या प्रॉब्लम से आपका व्हाट्सअप लॉगिन नहीं हो पा रहा, आप वहाँ पे मैनेज करके वो लोग सेंड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप व्हाट्सअप को डाउनलोड करना या अपडेट करने को बोलेंगे, अपडेट करना, उसके बाद आपका अनबैंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अपने व्हाट्सअप को इजीली आप अनबैंड कर पाओगे, ठीक है। यही एक रास्ता, यही एक ऑप्शन से अनबैन करने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलता है एक नए वीडियो में एक नए बेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।